हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों, आज 11 जनवरी है, 11th ऑफ जनवरी। देखते हैं शार्क टैंक इंडिया द्वारा ऑफलाइन क्विज में कौन कौन से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके करेक्ट आंसर क्या होंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द FMCG सेल्स डज हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर अकाउंट फॉर एज ऑफ 2021। 50% को लगाइए, 50%। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। यह सही करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे स्क्रीन पे। DDNU को पढ़ते रहिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। द FMCG मार्केट इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रीच एट व्हाट वैल्यू बाय 2025। 220 बिलियन। ऑप्शन बी को लगाइए, बहुत बड़ा नंबर होता है ये FMCG के लिए। हम लोग सब लोग सर्फ साबुन ये सब यूज करते ही हैं, इनका मार्केट बहुत बड़ा है। DDNU को पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, अ कंपनी दैट डायरेक्टली सेल्स इट्स प्रोडक्ट और सर्विस टू कंज्यूमर इज कॉल्ड D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर। इसको सबमिट करते हैं, ऑप्शन डी को सबमिट करते हैं, सही आंसर होगा, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है हमारे स्क्रीन पे। इन नवंबर 2021 विच कंपनी साइन डिफिनिट एग्रीमेंट टू एक्वायर 100% इक्विटी शेयर्स ऑफ टाटा शेयर स्मार्ट फूड्स लिमिटेड, दैट इज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी को लगाइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है हमारे स्क्रीन पे, सही आंसर है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर लेना। द इंडियन FMCG इंडस्ट्री ग्रू एट व्हाट परसेंट इन द जनवरी टू मार्च क्वार्टर ऑफ 2021। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसको मैं एग्जैक्ट नहीं 3.80 को लगाता हूँ, देखता हूँ क्या होता, नहीं 9.40 होना चाहिए। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, या सही आंसर है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन ही था, यदि वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक जरूर से कर देना। थैंक यू वेरी मच।